और इतना फ्रेश और सच में रिसोर्ट लग रहा है और नया होने के वजह से कि भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मतलब दापोली में आप जाओगे तो बहुत सारे ऐसे रिसोर्ट है जैसे कॉटेजेस ही है या फिर नया कुछ नहीं है, तो अगर आपको कुछ अच्छे जगह पर रहना होगा तो इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अभी दापोली की सीरीज़ कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है महाराष्ट्र के जो कोकण पट्टी है वो कितनी फेमस है, यहाँ के बीचेस, यहाँ का फूड, ये सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। और वेकेशंस पर आपको कहीं जाना होगा तो जो टूरिस्ट प्लेसेस में से मैं अभी आई हूँ दापोली, दापोली बहुत ही वेल नोन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर बहुत सारे रिसॉर्ट्स है, बहुत सारे बीचेस है, उसकी मैं सीरीज़ कर रही हूँ, जिससे आपको अगर दापोली आना होगा तो आप डिसाइड कर सको कि कौन से रिसॉर्ट में रुकना है और क्या करना है। पुणे से 200 किलोमीटर की दूरी पर और मुंबई से 220 किलोमीटर की दूरी पर दापोली है और खूबसूरत है बहुत ही दापोली। और हम लोग अभी जिस रिसॉर्ट में आए हैं ये न्यूली ओपन हुआ है, बहुत ही अच्छे अच्छे रूम्स, अलग कंसेप्ट का भी रूम यहाँ पर है, स्विमिंग पूल एरिया है, माउंटेन के माउंटेन का व्यू है यहाँ से, बहुत ही बढ़िया है। और इस रिसॉर्ट का नाम है नील कृपा, आप देख सकते हो पीछे बोट है, यहाँ पर ये सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर करने के लिए। यहाँ से बीच बस 1 किलोमीटर की दूरी पर है तो आप वहाँ से आसानी से जा सकते हो। यहाँ पर इन लोगों ने साइकिल्स भी रखे हैं जिससे आप मॉर्निंग इवनिंग वॉक भी करके साइकिल से जा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। मैं पूरा का पूरा आपको टूर देने वाली हूँ तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सो गाइस मैं अभी आपको फैमिली रूम दिखा देती हूँ, ये है फैमिली रूम जो फर्स्ट फ्लोर पे है। वॉशरूम में आपको लास्ट में दिखाऊंगी, आप देख सकते हो जैसे हम लोग एंटर करते हैं हम लोग को वार्डरोब दिया गया है जिसमें आप अपना एक्स्ट्रा का सामान जो कि रख सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पर किंग साइज बेड है और यहाँ पर है ये वाला बेड जहाँ पर आप आराम से रुक सकते हो। यहाँ पर एक मिनी फ्रिज भी दिया गया है, टीवी है, केटल है और पाउचेस भी रखे हुए हैं, मतलब अगर आप अपनी कॉफ़ी यहाँ पर बना सकते हो। यहाँ पर 24 आवर वाईफाई लगा रहता है, बैकअप है, इसके वजह से आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। और ये है यहाँ की गैलरी, यहाँ के सभी रूम्स को बहुत बहुत बड़ी बड़ी गैलरी है, गार्डन फेसिंग ये रूम है, यहाँ पर सिटिंग दी गई है जिस वजह से आप यहाँ पर बैठे बैठे व्यू एंजॉय कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया रूम है ये। तो मैं अभी आपको यहाँ के जो इंडोर गेम है वो दिखा देती हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा जिम भी बना हुआ है, तो यहाँ पर है चेस बोर्ड, लूडो, उसके साथ साथ आप देख सकते हो कैरम भी है और सॉकर भी बना हुआ है छोटे बच्चों के लिए, ये भी रखा हुआ है, सिटिंग भी रखा हुआ है, मतलब ओवरऑल ये जो है ये बहुत ही अच्छा इंडोर गेम है। उसी के साथ साथ आपको रेस्टोरेंट के सामने जो मैं जो रूम्स दिखाया उसका आपने व्यू देखा ही होगा, तो उसके सामने भी प्लेइंग एरिया है, तो अगर आपको बैट बॉल या फिर ऐसा कुछ भी खेलना होगा तो आप वहाँ भी खेल सकते हो। रात को सेटअप लगा रहता है जो जो नाइट 5 बजे, जिसके आप यहाँ पर गार्डन में चिल कर सकते हो। मैं अभी आपको एक स्पेशल रूम दिखा देती हूँ जिसमें पर्सनल गैलरी है, वो कैसे वो भी दिखा देती हूँ। ये है यहाँ की रूम, यहाँ पर किंग साइज बेड लगा हुआ है, इसके साथ साथ फ्रिज, टीवी, केटल और पाउचेस ये सब कुछ यहाँ पर रखे हुए हैं। ये नॉर्मल रूम से थोड़ी सी बड़ी ही रूम है। और ये देखो यहाँ पर है वार्डरोब, मिरर दिया गया है, उसी के साथ साथ यहाँ पर है ये वॉशरूम, वॉशरूम भी इसका बहुत बड़ा है, रूम भी काफ़ी बड़ी है, आप देख सकते हो आजू बाजू बहुत ही बड़ी स्पेस है। ये है गैलरी और ये देखो
आप सोच रहे होगे बस इतनी छोटी सी गैलरी, यहाँ पर एक झूला है, लेकिन ये इतना छोटा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो, यहाँ से हम लोग टर्न लेते हैं तो हम लोगों को एक स्पेशल सिटिंग यहाँ पर मिल रही है। जी हाँ, जिस वजह से आप यहाँ पर पार्टी शार्टी या फिर कुछ भी सेलिब्रेट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है इस रिसोर्ट के रूम्स की। ये रूम जो है ये बहुत ही अलग है। इसी के साथ साथ यहाँ का जो गैलरी का व्यू भी मिल रहा है वो भी बहुत बढ़िया है। तो गाइज, ये जो हरने जाने वाला जो मेन रोड है वहाँ पर है, ये है यहाँ का पार्किंग एरिया। और मैं अभी आपको रिसेप्शन एरिया भी दिखा देती हूँ। ये है यहाँ का रिसेप्शन एरिया, और यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर ऐसे यहाँ पर रूम्स है। तो मतलब यहाँ पर बहुत रूम्स है, तो आप यहाँ पर अगर फैमिली के साथ रहो, कपल रह रहे हो, तो यहाँ पर सिक्योरिटी भी है, तो आपको ऐसा कुछ भी इशू बिल्कुल भी नहीं आने वाला। और बीच यहाँ से बस 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब आप आसानी से बीच पर भी पहुँच सकते हो। सो मैं अभी आपको रेस्टोरेंट दिखा देती हूँ। ये है रेस्टोरेंट, और देख सकते हो यहाँ की जो सिटिंग एरिया है वो काफ़ी अच्छा है, पूरा का पूरा ग्लास लगा हुआ है। तो चलिए हम लोग अभी अंदर चलते हैं। अंदर भी आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा सिटिंग है। यहाँ पर आपको वेज, नॉन वेज, चाइनीज़ ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। मतलब आप सोचो कि दापोली आ रहे हो तो आपको सिर्फ महाराष्ट्रियन फूड मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि महाराष्ट्र के जो भी कल्चर है उसके बारे में यहाँ पर विंडो पर ये सब कुछ लगाया गया है। यहाँ की जो वाइब है वो बहुत ही अच्छी आ रही है, बहुत ही पॉजिटिव है। ये जो आप साइकिल्स देख रहे हो ये गेस्ट के लिए ही रखे गए हैं, जिससे अगर आपको इवनिंग या फिर मॉर्निंग वॉक के लिए जाना होगा बीच के ऊपर तो आप ये साइकिल लेके आराम से जा सकते हो। मतलब यहाँ पर गेस्ट के लिए जो कुछ भी अच्छा होना चाहिए वो सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ है। ब्यूटीफुल लॉन है, ब्यूटीफुल लैंडस्केप इन लोगों ने करके रखा है। यहाँ के जो रेस्टोरेंट के रूम्स के कलर्स और वो सब कुछ मतलब बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और इतना फ्रेश और सच में रिसॉर्ट लग रहा है। और नया होने के वजह से कि भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मतलब दापोली में आप जाओगे तो बहुत सारे ऐसे रिसॉर्ट है जैसे कॉटेजेस ही है या फिर नया कुछ नहीं है। तो अगर आपको कुछ अच्छी जगह पर रहना होगा तो आप नीलकृपा ज़रूर सोच सकते हो। सो ये है बोट, और आप देख सकते हो ये है लॉन। यहाँ पर अच्छे से रेस्टोरेंट के बाहर की जो सिटिंग है वो भी यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर अंदर है बैंक्वेट हॉल, में भी आपको दिखाने वाली हूँ। लेकिन अगर आप सोच रहे होगे कि आपको कुछ भी सेलिब्रेट करना होगा, बर्थडे हो, एनिवर्सरी या फिर कुछ भी, तो वो आप यहाँ पर इस लॉन पर भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही बढ़िया है, स्मॉल है। उसके साथ साथ ये रहा बैंक्वेट हॉल, और वो भी बहुत बड़ा है। आप यहाँ पर भी कुछ आपको फंक्शन करना होगा तो वो भी आप कर सकते हो आसानी से। यहाँ पर साउंड सिस्टम, डीजे, ये सब कुछ रखा हुआ है, जिस वजह से आपको अगर यहाँ पर आकर पार्टी वार्टी करनी होगी तो वो भी आप आसानी से कर सकते हो। इस बैंक्वेट हॉल के राइट साइड पर है रेस्टोरेंट, और लेफ्ट साइड पर है स्विमिंग पूल। मतलब आपको अगर स्विमिंग पूल पार्टी भी करनी होगी दापोली में आके तो वो भी आप कर सकते हो। कितना बढ़िया है ना ये। तो मैं भी आपको जो स्विमिंग पूल एरिया है वो दिखा देती हूँ, और बहुत ही खूबसूरत है स्विमिंग पूल एरिया। माउंटेन के नीचे ये रिसॉर्ट है, आप देख सकते हैं। वाह, कितना बढ़िया लग रहा है। पीछे माउंटेन है, नीचे स्विमिंग पूल, और ये जो कलरफुल पेंटिंग की गई है बहुत ही बढ़िया है। ये एडल्ट के लिए स्विमिंग पूल है, उसके साथ साथ आप किड्स के लिए स्विमिंग पूल ये देख भी सकते हो। यहाँ पर भी कोने में इन लोगों ने सिटिंग दे रखी है। मतलब अगर आपको अगर स्विमिंग पूल के साइड में लंच डिनर करना होगा तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया है, आप देख सकते हो फाउंटेन भी लगा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये है यहाँ के चेंजिंग एरिया, चेंजिंग रूम्स और वॉशरूम्स है। पानी भी बहुत क्लीन है, बहुत ही अच्छे से वाइब आ रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया है जो ये रिसॉर्ट और नीचे स्विमिंग पूल है, बहुत ही अच्छा है।
यहाँ पर इन लोगों ने बहुत ही बढ़िया सेल्फी पॉइंट्स बना रखे हैं, जैसे कि आप ये बोट देख रहे हो, यहाँ पर आप सेल्फी भी खिंचा सकते हो और बोट के अंदर भी जा सकते हो। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ के रूम्स और पूरा का पूरा रिसॉर्ट है बहुत ही बढ़िया है। अच्छे अच्छे रूम्स के साथ साथ स्विमिंग पूल एरिया, माउंटेन के नीचे ये रिसॉर्ट बना हुआ है। और मैं आपको इसके प्राइस के बारे में अभी बता देती हूँ। यहाँ के जो रूम्स की प्राइस है वो 3000 से स्टार्ट होती है। अगर सैटरडे संडे वीकेंड होगा या फिर वैकेशंस हो गए तो इसके जो रेट्स है वो बढ़ भी सकते हैं। तो आप अगर आ रहे हो तो इंक्वायरी करके आना। बहुत ही बढ़िया रिसॉर्ट है, न्यूली ओपन, हरने बंदर हम लोग जाते हैं है करदे बीच से, तो मेन रोड पर ये रिसोर्ट बना हुआ है। यहाँ से आपको मुरुड़ बीच और जो पाणंदे बीच है वो काफ़ी पास में है, और आपको हरने बंदर जाना होगा तो वहाँ पर भी आप इजीली जा सकते हो, इतना अच्छा है ये रिसोर्ट। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।